नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको भविष्य में आगे मिलती रहेगी। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा बेरोजगारी भत्ता है उसके लिए इंटर्नशिप प्रमाण पत्र है, वो इंटर्नशिप प्रारूप है वो हम किस प्रकार से अपनी SSO ID पर, अपने मोबाइल या घर पर किसी भी लैपटॉप या PC से खुद किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अन्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है अपनी SSO ID को। यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट वाला ऑप्शन है जो आपको देख अपने जो यहाँ पर आपको जो डैशबोर्ड मिलता है उस पर आपको सर्च कर लेना है और उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेंड एनीवे पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो आपकी SSO ID पर आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिजिकल एट्रीब्यूट, कम्युनिकेशन, टेक्निकल कोर्स डिटेल्स, जॉइनिंग डिटेल्स और अटेंडेंस डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अटेंडेंस शीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, तो आपको अटेंडेंस लास्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुल छुट्टी, आपने जो राजकीय अवकाश होता है उसके अलावा आपने जो भी छुट्टी ली है वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी होती है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कौन से महीने की आपको जो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र या प्रारूप है वो अपलोड करना है, कि जिस महीने का आपको अपलोड करना है उस महीने का आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पे 5 मई का अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटर्नशिप अपलोड होता है तो यहाँ पर आपको 100 से 2 MB के बीच में जो फाइल है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपको जो फाइल है वो आपके अपने मोबाइल से सेलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर फाइल चूज करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने छुट्टी अगर ली है तो आपको यहाँ पर वो छुट्टी लिख देनी है, अगर नहीं ली है तो आपको यहाँ पर 0 टाइप कर देना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बताता है कि जो आपका अटेंडेंस फॉर्म है वो अगर यहाँ पर सबमिट हो चुका है तो आपको यहाँ पर जो मार्च महीने का है वो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। तो हमारे मई का हमने अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे हमें मई का जो महीने की उपस्थिति अटेंडेंस फॉर्मेट है वो अपलोड नहीं करना है। तो हमारे पास मई का था वो हमने मई का अपलोड कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आप अन्य भी कर सकते हैं अपलोड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और अन्य प्रकार की किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।